मिनट का साथ समय मुझे मिला था कि आप अपनी बात पूरी करें बहुत अनुनय विनय के बाद, लेकिन कहा जाता है कि घंटों ये बोलते रहे और श्रोता जो कि विश्व भर के सभी धर्मों के प्रतिनिधि थे वहाँ मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। और उसी दिन से जाना गया कि नहीं, भारत का भी स्थान है, उनका भी विद्या के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में उनकी खोज है। और उस खोज को स्वामी विवेकानंद हमेशा संसार के सामने लाते रहे। हम कुछ अंधविश्वासों में, कुरीतियों में उलझ गए थे और उस समय पुनर्जागरण काल चल रहा था। एक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अंधविश्वासों पर काफ़ी चोट किया, कुरीतियों पर काफ़ी चोट किया। और जो आज सुधार हम देख रहे हैं हिंदू धर्म में, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा बहुत कुछ हुआ। बहुत कुरीतियाँ रह भी गई, बाद में और महापुरुष आए, उन्होंने उसमें सुधार किया, लेकिन अपनी जो ठोस वाणी थी वह वाणी स्वामी विवेकानंद की ही। आज उन्हीं की याद में उनके जन्म दिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और आज से हम लोग 23 जनवरी तक, जिसको कि राष्ट्रीय शौर्य दिवस या पराक्रम दिवस कहते हैं, उस दिन तक लगातार कोई न कोई कार्यक्रम होता रहेगा और हम अपनी विरासत को पहचानेंगे। हम सोचेंगे कि हम क्या थे और फिर हमको उसी ढंग से कैसे बनना है, भारत को विश्व में कैसे आगे ले जाना है। इसी क्रम में कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सभी लोग तन मन से उस कार्यक्रम में भाग लेंगे ताकि वो सभी कार्यक्रम सफल रहे और हमें अधिक से अधिक उनके बारे में जानकारी मिले, अपने देश के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।